फांसी के फंदे पर लटकी मिली नवविवाहित महिला, 2 साल पहले हुई थी शादी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। 2 साल पहले ही हुआ था महिला का विवाह। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाना आरोन के इमलिया गांव निवासी अके सिंह बंजारा ने बताया कि उसने लगभग 2 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री मीनू की शादी आरोन थाना क्षेत्र के चितावर गांव निवासी हरभजन सिंह पटेल के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। बीती रात मीनू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलता मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि घटना की सूचना जैसे ही मृतक महिला के परिजनों को मिली तो परिजनों ने थाने पहुंचकर पति, सास, देवर आदि पर दहेज में कार सहित रुपए की मांग करते हुए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में आरोन थाना पुलिस प्रभारी अमोद सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर जाँच पड़ताल कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। आरोन से मिथुन शर्मा की खास रिपोर्ट। वो बिल्कुल साफ होगा, ठीक है, शांति रहो। सर गिटी मसक के मार रहा है, सुन तो लो, सुन लो अपना। शांति होना आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। हम तो मौत के बदले मौत, तुम बयान कर लो, बयान उठा दो, बयान तुम लोग दोगे ना भैया, आदमी तो साथ जल जाए, साथ जे आगे जाइए, जाइए आगे तो जाइए। मैं तो बयान करवा लूं, बीओपी साहब के यहां वो बयान होंगे, जैसे होंगे वैसी कार्रवाई आपकी। हां पंडित जी, जाइए भाई, इससे बात तो लिखाना हो नहीं लिखाना, ठीक है। अरे सर अब शांति बैठ जाओ। अरे मैं कई रिपोर्ट के डाल दूं, सही डाल ना, तो पैसा मारो आंटी, दूसरी शादी करूंगा। मेरे पास पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं ईमानदारी अपने आप बना रहे हैं। और मेरी मोड़ी खत्म हो गई, और साथ मैं भी तुम्हारे संग हूँ, कोई अलग नहीं है साहब, मैं मेरी सुन लो, ताकि बहुत बहुत मर गई, मर जान तो दूसरी मोड़ी और मांग रहा है। आप बताओ, एक मिनट सुन तो लो, जो चीजें तुम्हें बयान में लिखाओगे ना, बाबू जी बात खत्म, जब मैं तहसीलदार को भेज के कार्रवाई करवा सकता हूँ, और क्या चाहिए? नहीं चाहता तो। दादा क्या नाम है आपका? आतिश सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? इमलिया। क्या घटना हुई है आज? साहब मुझे पता लगा 4 बजे 3:30 बजे फोन आया, कहला तुम्हारी लड़की खत्म हो गई, फिर और वहाँ पर उनने बांध दी और नीचे पाँव और इतनी ऊपर मोड़ी टक नहीं पाई, अब क्या मालूम कैसे टाँके बिनने। और फिर हमारे उसका लड़की का चाचा गया, लड़की के 2-3 मामा गए, बयान के देखा तो साहब इसकी घटघट ऐसे गर्दन दबा, गर्दन दबी हुई थी। अच्छा हाँ, और पहले ब्याह करो मुझसे बनो 4-5 लाख रुपया को मैं दहेज दे रहा हूँ, और फिर वो कहने लगे मोड़िए तंगरा कान लागो, मुझे जीव चाहिए, जीव चाहिए, मेरे है 3 लड़की, 1 लड़की का भी शादी है, और नहीं तू जीव नहीं दे तू चल जा, नहीं तो हम मार के फेंक देंगे, और लाला जी के मैं दूसरों ब्याह कर लूंगा तो मारेंगे मैं। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ऐसा मान लो 2 साल हो गई। कहाँ पर की थी शादी? चितावर। क्या नाम था गुड़िया का? गुड़िया मीनू भाई। क्या उम्र थी उसकी? थी 20-22 साल हो गई होगी। बच्चे थे? एक बच्चा है 8-9 महीना का हो गया। चलिए ठीक है, तो अभी क्या मतलब फांसी लटकी मिली? फांसी लटकी मिली है, लटकाई गई है बिन्ने मार के, और कहने लगे मुझे जीव चाहिए लाला जी की, नहीं तो मार के फेंकूंगा, और मुझसे बात नहीं कराती फोन पे। अच्छा हाँ, और सुसर मारत तो साहब, अच्छा। और लाला जी मारत तो, और उसका देवर मारत तो, और उसका ममिया सुसर है बड़ो उदम वो गाड़ी दे तो। अच्छा हाँ, और सास मारत थी। चलिए ठीक है हाँ।